बाहर आके जो बच्चे पूछते ना डूड की क्या पूछ रहा है अंदर, ये तो बताओ भाई। मैंने कहा डूड यही पूछ रहा है कि पंखा कैसे चलता है। कहता डूड वो तो स्विच ही होगा आंसर उसका। मैंने कहा अरे वाह यार चूतिए, तुम्हारा बाप भी 12 लाख भर रहा है। कहता नहीं मैं डोनेशन से। मैंने कहा डोनेशन से इस कॉलेज में। बट मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने अपने सपने अपने पापा से डिस्कस करने का ट्राई किया था तो मैंने अपने पापा को जाके बोला था पापा मेरे को कॉमेडी ट्राई करने का है, और मेरे डैड ने बोला था बेटा तेरे ड्रीम्स को लेके हम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बस तू पहले एक बार इंजीनियरिंग कर ले। उसके बाद तू MBA कर ले, अरेंज मैरिज कर ले, 2 बच्चे कर ले, पर जब हम मर जाए उसके बाद जो चकल लस्कर नहीं करना, रोज आके परेशान मत किया प्लीज़। तब मेरे को समझ आया इंडियन पेरेंट्स को ना बर्थ कंट्रोल के बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो बर्थ के बाद आपकी लाइफ पूरी कंट्रोल करते हो बराबर। देखो जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो ना तो आपका करियर उठे ना उठे। तुम लोग गलत सोच रहे हो क्या? भगवान से भरोसा पहले उठता है, भगवान से भरोसा पहले उठता है। मेरी माँ भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। मेरी माँ बोलती थी विवेक तू झूठ बोलेगा ना तो तू पाताल जाएगा। मैंने कहा माँ तू झूठ बोल रही है। सही में यार बहुत खराब सीन चलते रहते थे यार। और मैं जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था ना उसके बारे में हल्का सा बताता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे घर वाले ऐसे थे कि विवेक तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तेरे को IIT करना है। और फिर मैं IIT का पेपर देने बैठा और उस पर ऑप्शंस थे। इसकी तो आदत डाली नहीं कभी। ये कौन सी नई नई चीज आ रही है पापा? ऑप्शन आपके पास था दूसरा जल्दी सोने का। ये मेरे पास जा रहा है एग्जाम। 2 टाइप के इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं गाइस, एक जो अच्छे होते हैं और एक जिनमें मैं गया था। ठीक है, तो जो अच्छे कॉलेज होते हैं उसमें वाइवा 1-on-1 होता है। हमारे कॉलेज में सामूहिक विवाह की तरह चार 5 बच्चों को साथ में बुला के बात करते थे। क्योंकि टीचर को भी पता रहता था लौड़ा क्या पूछना। ठीक है, तो मैं अपनी स्टोरी छोटी सी सुनाता हूँ आप लोग को। जैसे हम लोग तीनों बैठे थे, प्रोफेसर ने हमसे पूछा विवेक शुड वी आस्क यू बुकिश क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस? मेरे को इसका भी जवाब नहीं पता था। ठीक है, मैं सोचा थोड़ा दिमाग लगाते हैं और फोन अ फ्रेंड करते हैं, बाकी दोनों से पूछने का ट्राई करते हैं। इधर देखा मैंने आंखों ही आंखों में एक लौंडे से बात की, कहता ब्रो बुक तो मैंने खरीदी भी नहीं। रजिस्टर के सामने भी लावण्या लिखा था। कोई बात नहीं। मैंने इधर पे देखा आयुष जैन, कहता ब्रो प्रैक्टिकल की होते तो इस कॉलेज में नहीं होते। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जीतता हूँ इसको इंग्लिश में। ठीक है, और सर की टू इंजीनियरिंग प्रैक्टिकलिटी प्रैक्टिकल प्लीज। कहता वेरी गुड विवेक, प्रैक्टिकल पूछना है? मैंने कहा हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, उसने कहा ये जो तुम ऊपर पंखा देख रहे हो, हम तीनों ने ऊपर देखा पंखा और हमको कोटा की याद आ गई। ये किससे चलता है? ऑल्टरनेटिंग करंट AC या डायरेक्ट करंट DC। तो यहाँ पर कोई इंजीनियर है जिसको ये पता है? वेरी गुड गाइस, यहाँ पे अभी 60 लोग का वाइवा हो रहा है। किसी को पता है एनीवन कौन इंजीनियर है? वेरी नाइस, आपको नंबर मिलते हैं 5। अब मैं अपने केस सुनाता हूँ। तो हमको भी इतना पता था क्योंकि हम लोग इतने चूतिए नहीं थे। ठीक है, हम लोग तीनों के दिमाग में आया AC, पता था ये इलेक्ट्रॉनिक्स के AC। तीनों ने AC बोला, मेंटल हाई फाई दिया, भैंचो आज तो नंबर जीत के जा रहे हैं, जंग जीतेंगे ये। फिर उसने गुगली फेंकना चालू किया। मेरे बाजू में एक नामक छात्र आयुष जैन, इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, इसका बाप था जमींदार और MLA, और इसको पॉलिटिक्स में मतलब नहीं जाना था, तभी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। क्योंकि पढ़े लिखे का पॉलिटिक्स में कुछ काम नहीं है। ये आप लोग को पता है। और इसको अपने घर का पॉलिटिक्स भी बहुत डर्टी लगता था। जस्ट क्लैप वंस एंड चीयर वंस इफ यू गाइस फील दैट पॉलिटिक्स इन इंडिया इज वेरी डर्टी। जस्ट क्लैप वंस, यस यस, चीयर यस। ऐसी थोड़ा ना कीचड़ में कमल खिलता है। मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा गाइज, बट ये मेरे राइट पे बैठा था, ठीक है। पार्टी का नाम नहीं लूँगा, राइट। इससे पूछा अगर डीसी से चलाएंगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा, तो ये अलग अपना 5 सेकंड सोचने को बोलता है, सर देखिए वैसे मैं बताऊं तो करंट तो करंट होता है, भेदभाव करने वाला इंसान कौन पैदा हुआ। एंड आई एम लाइक बी आर अम्बेडकर सर आप वहां पे थॉमस एडिसन और टेस्ला चूतिए बैठे हैं तो अपनी गांड बना रहे बल्ब जलाने में और ये सब इसी बनाने में। मैंने सर करंट तो करंट होता है, भेदभाव करने वाला इंसान कौन हुआ, डीसी से चल जाएगा। मैंने कहा वहां पे कैमरा नहीं लगे, एनडीटीवी नहीं चल रहा लौड़े। तो उसने कहा डीसी से चल जाएगा। उसने फिर मेरे से पूछा तुम्हें लगता है डीसी से चल जाएगा। मैंने कहा हाँ सर डीसी से चल जाएगा। कहते तुम्हारा रीजनिंग क्या है। सर सारे नंबर आयुष को ना मिल जाए। मेरे को फर्स्ट है लेकिन इस भड़वे से नहीं हार रहा हूं मैं आज। हम लोग साथ में री देंगे केटी, चलेगा, दोनों को कटवाने। फिर उसने लास्ट पूछा दीवान से, कहता डीसी चलेगा, कहता हाँ सर चलेगा, डीसी क्यों नहीं चलेगा, चलवा देंगे आपको, चलवा देंगे। मेरे को पता था चूतिया तो था, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड बता दूं। देवांश मेहरोत्रा नामक छात्र, ठीक है, इसको इसके बाप ने बोला था कि बेटा कुछ भी हो जाए सिगरेट और दारू से दूर रहना, सिगरेट और दारू से दूर रहना। तभी ये सिर्फ गांजा मारता था। ब्लंट बनाओ यार। इससे पूछा डीसी चल जाएगा, हाँ चलवा देंगे आपके लिए। तो उसने एक लास्ट गुगली फेंका हमको कि अगर डीसी से चल जाएगा तो डीसी से क्यों नहीं चलाते हैं, एसी से क्यों चलाते हैं। तो ये सोचना पड़ गया। कहता सर देखिए सही बताऊं तो डीसी से चल तो जाएगा लेकिन हवा में वो बात नहीं आएगी। वो फील नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। और पीछे से लैब अटेंडेंट बोलता है डूड क्योंकि एसी से ठंडी हवा आती है। मेरा बाप 12 लाख भर रहा है इसके। क्या चूतिया इंसान हो। 12 के जो बच्चे पूछते ना डूड की क्या पूछ रहा है अंदर ये तो बताओ भाई। मैंने कहा डूड यही पूछ रहा है कि पंखा कैसे चलता है। कहता डूड वो तो स्विच ही होगा आंसर उसको। मैंने कहा अरे वाह यार चूतिया, तुम्हारा बाप भी 12 लाख भर रहा है। कहता नहीं मैं डोनेशन से। मैंने कहा डोनेशन से इस कॉलेज में सही चूतिया तू भाई। तभी हमको लगता है इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके तुम देखते ना भगवान से पहले इसलिए उठता कि हम बहुत चूतिया भाई। आई डोंट थिंक वी वर द फास्टेस्ट फ्रॉम इनसाइड आवर मदर्स, वी वर द मोस्ट स्टूपिड वंस। ऐसा कार चलती है तो एक चूतिया होता है ना टू व्हीलर जो काट करके मांग रहा जाता है, तो कार वाले नहीं बोलते जान दे चूतिया मरेगा। दैट्स व्हाट 10 million sperms did inside my mother and yours too. You know where you are. जबलपुर की पॉपुलेशन 10 लाख है, सिर्फ एक जन गांड मरवाने आ रहा है मुंबई। दस लाख बोल रहे जान दे चूतिया मरेगा और मैं मर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं अगले दोनों दोस्तों को क्या बताई होगी कि यार बंदा तो बहुत मस्त था लेकिन पता नहीं क्यों चूतिया पूरे टाइम ट्यूबलाइट को घूरते वक्त कुछ सोच रहा था। और मैं तुमको बताऊं क्या सोच रहा था। मैं सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था उस ट्यूबलाइट को देख के कि जो ट्यूबलाइट है ये किससे चलता होगा, ये एसी से चलता होगा कि डीसी से चलता होगा, एसी से उतनी लाइट आएगी कि नहीं आएगी। हाय दोस्तों, थैंक्स लॉट कि आपने ये वीडियो पूरे यहाँ तक देखा। और 3 मेजर अनाउंसमेंट है। पहली ये चीज़ कि ये आप वीडियो जितने ज़्यादा लोग इंजीनियर्स के साथ शेयर करिए, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और ऊपर से लाइफ ज़्यादा सीरियसली ना लें, और अगर आपको कभी भी कोई सुनने वाला चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम पे रीच आउट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको एटलीस्ट सुनेंगी और आपसे बात करने की कोशिश करेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि मैं फिर से टूर पे निकल रहा हूँ और सूरत और अहमदाबाद में 13 और 14 ऑगस्ट अभी आने वाला हूँ, सैटरडे संडे। तो नीचे लिंक में आपको मिल जाएगी जितनी भी मतलब जो बुक माई शो की लिंक है। उसके ऊपर से मैं बैंगलोर, हैदराबाद, रायपुर, नागपुर और भी सिटीज़ जो मैं टूर करूँ वो ऐड होते जाएंगे। नीचे एक गूगल फॉर्म है, आप उसको भर दीजिए और बता दीजिए कि हमको कहाँ कहाँ आना चाहिए। और उसके ऊपर से जो मेन अनाउंसमेंट है कि जो पार्ट 2 इस वीडियो का है और तभी आएगा जब आप थोड़ा सा इसको प्यार देंगे। इस वीडियो को आपको इतना प्यार देना है कि आप इसको 69,000 लाइक्स और 69K सब्सक्राइबर्स मेरे पार करवा दीजिए। उसके बाद हम पार्ट 2 डाल देंगे, कोई इशू है नहीं उसमें। और जो मेन अनाउंसमेंट यही है कि आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए वीडियो जितना कर सकते हैं। और नीचे जो बुक माई शो की लिंक है आप उस पर जाके एक बार इंटरेस्टेड क्लिक कर दीजिए, लाइक क्लिक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और ये वीडियो शेयर करते रहिए। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।